एयर इंडिया की मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही फ्लाइट में बम की धमकी मिली है। मुंबई न्यूयॉर्क फ्लाइट जो है उसे दिल्ली एयरपोर्ट पर यहां पर उतारा गया है और फिलहाल जांच की जा रही है। एयर इंडिया फ्लाइट AI-119 में बम की खबर मिली। दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई, सुरक्षा जांच उसकी जारी है। विमान को आइसोलेशन रनवे पर पार्क करके जांच की जा रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर बॉम्ब स्क्वाड मौजूद है, डॉग स्क्वाड मौजूद है और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं सीधा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से, जहां पर मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही फ्लाइट को बीच में ही इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। और अब इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है, यहाँ पर यात्रियों को भी उतारा गया है और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी अफरा तफरी की स्थिति है वो ज़रूर यहाँ पर नज़र आ रही है। इस वक्त जो तस्वीरें हैं उसके मुताबिक पल्लव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पल्लव मिश्रा। पल्लव, क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल रही है यहाँ पर, क्योंकि तस्वीरें जो बता रही हैं उसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से पायलट जो हैं वो खिड़की से झांकते हुए नज़र आ रहे हैं, निर्देश देते हुए नज़र आ रहे हैं और लोग भी थोड़े से वहाँ पर अफरा तफरी में हैं। देखिए आती जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की सूचना या जानकारी मिलती है यात्रियों को, जब वो लोग कोई प्लेन से या कोई ट्रेन से सफ़र करता है, तो जाहिर सी बात है कि चिंतित होना लाजमी है। पूरा मामला दरअसल ये है कि ये जो फ्लाइट है एयर इंडिया की 119, ये मुंबई से रात को 2:08 पर उड़ी थी और इसे न्यूयॉर्क जाना था। लेकिन एक जो जानकारी है उसके मुताबिक एक ईमेल के जरिए एयर इंडिया को ये जानकारी दी गई कि बम से उड़ाने की धमकी, एक बम की सूचना दी गई, जिसके बाद इसकी आपातकालीन लैंडिंग जो है इसको दिल्ली एयरपोर्ट पर कराया गया। आपसे करीब 4 से 4.5 घंटे पहले जो है इसकी इमरजेंसी लैंडिंग जो है दिल्ली एयरपोर्ट पर कराई गई और वहाँ पर तमाम जो है जो बॉम्ब स्क्वाड है, जो डॉग स्क्वाड है, वो वहाँ मौजूद है। फिलहाल जो सभी यात्री थे प्लेन के अंदर उनको स्वच्छ उतार लिया गया है, जो क्रू मेंबर्स थे उनको उतार लिया गया है और अब सबका सामान उतारने के बाद जो है वहाँ पे चेकिंग जारी है, पूरे प्लेन की चेकिंग की जा रही है। और जो एयर इंडिया है उसने भी अपनी तरफ से बयान जारी करके ये कहा है कि जैसे हमको सूचना मिली हमने जो है नियमों के तहत तमाम जो है जो स्टेप्स थे कदम उठाए और फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग जो है दिल्ली एयरपोर्ट पे करा दी और सब जो भी यात्री हैं वो सुरक्षित हैं, जो सबसे अच्छी बात है। और अब जो यात्री हैं उनको जो कोई दिक्कत ना हो उसको लेकर तमाम कदम उठाए जा रहे हैं और प्लेन की पूरी चेकिंग की जा रही है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि आखिर किसने ये जो है ईमेल भेजा और क्या ये कोई जानबूझकर ईमेल भेजा या वाकई जो बम वाली बात है वो सच है। फिलहाल जो है जो राहत की बात है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं, प्लेन की जो है सफल लैंडिंग इमरजेंसी लैंडिंग एयरपोर्ट पर हो गई है, डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड मौजूद है और सभी तरह की जो है जांच की जा रही है। यात्रियों से भी अब पूछने की कोशिश है कि कहीं उन्हें तो कुछ प्लेन में ऐसा नहीं दिखा कि जहां कोई संदिग्ध वस्तु दिखी हो जिसके बाद ये आभास हुआ हो किस तरह की जो है धमकी दी गई है। तो फिलहाल जो है सब कुछ अभी कंट्रोल में है और जो यात्री हैं वो सुरक्षित हैं।